और जाग चुकी है जनता, अब नहीं बर्दाश्त होगा। और मनीष कश्यप का एक एक आंसुओं का बिहार में इंसाफ होगा। सिंहासन कर दो खाली, क्योंकि आ रहा है मनीष कश्यप की बारी। 2025 मनीष कश्यप। ये गठबंधन है कि ठगबंधन है जी? ये ठगबंधन है, इसको हम गठबंधन नहीं कहेंगे ना। यानी कि पैक 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 रेलाई, और इसी रेलाई से होगा बिहार का भलाई। आपका भी रेलाई हो जाएगा। नीतीश चाचा इंजीनियर है, हम डिग्री नहीं देखे हैं उनका, लेकिन बोलते हैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हुए। जब वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश कुमार का ही नहीं बन सकते हैं जी? मनीष कश्यप। हाँ, मनीष कश्यप अगर बनते हैं मुख्यमंत्री, तो हमको लगता है भागलपुर में जो पुल गिरता नहीं ना, वो गिरता दुर्घटना घटता है तो वे लोग बजरंगबली को याद करता है। लोग कहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो पुल आज गिरा है, लोग बता रहा है आज गिरा है, मनीष कश्यप एक साल पहले ही बता दिया था ये पुल नहीं टिकेगा, गिर। पागल हो गए हैं हम। जो सच बोलते हैं उसको आप लोग पागले बोलते हैं। भक्तो सिंह को आप लोग पागले बोलते थे, क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लड़ता था, और बिहार के लिए लड़ रहा है ना, उसको भी पागल आप बोल रहे हैं। और हम चंपारण में आए हैं, इनके घर में आए हैं, तो आप हमको भी पागले बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। अभी हम मनीष कश्यप के घर पे ही है, जहाँ उनका जन्म भूमि है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये उनका घर है, आज भी करकट का घर है। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई उदय भाई है। क्या कहिएगा उदय भाई? हम क्या कहेंगे आप पूछ रहे हैं? और जाग चुकी है जनता, अब नहीं बर्दाश्त होगा। और मनीष कश्यप का एक एक आंसुओं का बिहार में इंसाफ होगा। सिंहासन कर दो खाली, क्योंकि आ रहा है मनीष कश्यप की बारी। 2025 मनीष कश्यप। पागल हो गए हैं अभी। हम पागल हो गए हैं। हम जो सच बोलते हैं उसको आप लोग पागले बोलते हैं। भक्तो सिंह को आप लोग पागले बोलते थे, क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लड़ता था, और बिहार के लिए लड़ रहा है ना, उसको भी पागल आप बोल रहे हैं। और हम चंपारण में आए हैं, इनके घर में आए हैं, तो आप हमको भी पागले बोल रहे हैं। शकल से पागल दिखाई दे रहे हैं। अब यह कह रहे हैं, पागलपुर में पुल जब गिरा तो सब लोग मनीष कश्यप को याद कर रहे थे। एगो भौजी है जो निकल जाती है, कहती है एगो था यूट्यूबर, वो भी उसका बड़ाई कर रही थी। देखिए, ये हमारा बिहार का दुर्भाग है, यहाँ पे घटना दुर्घटना घटता है तो वे लोग बजरंगबली को याद करता है। लोग कहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो पुल आज गिरा है, लोग बता रहा है आज गिरा है, मनीष कश्यप एक साल पहले ही बता दिया था ये पुल नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। और कहीं ना कहीं वो बात सत्य हुई। मनीष कश्यप पत्रकार के साथ साथ इंजीनियर भी थे, और नहीं लगता है हमारे नीतीश चाचा इंजीनियर है, हम डिग्री नहीं देखे हैं उनका, लेकिन बोलते हैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हुए। जब वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश कुमार का ही नहीं बन सकते हैं जी? मनीष कश्यप। हाँ, मनीष कश्यप अगर बनते हैं मुख्यमंत्री, तो हमको लगता है भागलपुर में जो पुल गिरता नहीं ना, वो गिरता नहीं, वो खड़ा का खड़ा रहता। चाचा भतीजा का जोड़ी इतना बढ़िया काम कर रही है, आपको अच्छा काम दिखाई दे रहा है? ये गठबंधन है कि ठगबंधन है जी? ये ठगबंधन है, इसको हम गठबंधन नहीं कह सकते। पहले आप देखिएगा शादी ब्याह भाजपा के साथ ही, और उसके बाद में क्या हुआ जी? विदाई आरजेडी के साथ ही। सत्य है, आप इसको झूठला दीजिएगा, कहिए हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज लालू जी का बर्थडे भी है, और लोग मनीष कश्यप को भी याद कर रहे थे। देखिए, लालू जी से हम बहुत ज्यादा मानते हैं उनको, और उनका हमको स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। एक बार कहीं गए हुए थे, तो बोले हुए थे किसी का लौका चोरी हो जाता है, तो लोग कहते हैं लालू जी तो चोरी करा दिया। किसी का छप्पर पर से कुछ चोरी हो जाता है, तो बोलता है लालू जी चोरी करा दिए। बिहान भैया केकरो घर में लड़का हो जाएगा, तो ये बात नहीं कहेंगे हम, लेकिन भाषण में बोले हुए थे। बड़ा अच्छा है, पहले वो बड़ा अच्छा भाषण देते थे, और कहीं ना कहीं अच्छा बोलते भी थे। हम उनके फैन हैं, उनसे नहीं कह सकते हैं, हम उनको चाचा कहते हैं। उनके सपुत्र को क्या कहिएगा? उनके सपुत्र को क्या कहिएगा? तेज तेजस्वी दिनजाबाद, देखे होंगे नारा लगा हुआ था, तेज रहता है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार तेज तेजस्वी सरकार। इतना तेज तेजस्वी सरकार है, सब क्या बतलाए, पत्रकार के लिए तेज है, बाकी लिए तेज नहीं है। रिलाई करते हैं, क्या करेगा? रिलाई करते हैं तो खराब करते हैं। आप कहे नहीं रिलाई करते हैं, आप कहे नहीं करते हैं रिलाई? तो रेलाई अच्छा शब्द नहीं ना है? रेलाई का अर्थ क्या होता है हमको बताइए? क्या होता है? लोगों का क्लास लगाना ना। रेलाई के अर्थ होता है बिहारी भाषा में सब चीज परोस के अच्छा से उसको संबोधन करके दिखाई देना, यानी कि पैक 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 रेलाई। और इसी रेलाई से होगा बिहार का भलाई। आपका भी रेलाई हो जाएगा, करिए ना। अगर हम गलत है तो हमको भी रेले,
हम नहीं डरते हैं किसी से जी। जेल जाइएगा। क्या हो जाएगा? लश्कर उनका है, सरकार उनका है, वो किसी को भी पकड़ के भेज दे क्योंकि सरकार उनका है। पत्रकार डराएगा तो पत्रकार कहेगा। हम लोग एसी में बैठ के नहीं पत्रकारिता करते हैं। देख लीजिए आज धरातल पे हैं, इसीलिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करके आए हैं, लेकिन तेजस्वी तो चांदी का चम्मच लेके आए। ये भी आपके मनीष कश्यप ने कहा था, ये भी सही था क्या? आपको पता है कि नहीं, चांदी का चम्मच लुरलुर होता है, उसको जहाँ से नचाइएगा नाच जाएगा। स्टील वाला बड़ा बोरियार होता है, आर्मी का परिवार का है। और कहीं ना कहीं आपको दीपक जी ये मानना होगा, आज मनीष कश्यप के पिताजी पुत्र प्रेम को त्याग के देश प्रेम को चुने हैं, आज सरहद पे वो खड़ा है, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। और ऐसे माता पिता को और ऐसे देशभक्त को, ऐसे राष्ट्रभक्त को हम सैल्यूट करते हैं। और कहीं ना कहीं आज मनीष कश्यप के पिताजी को हम प्रणाम करते हैं।